जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 मार्च जो आज की तारीख है इसके बारे में। आखिर इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को सर्वप्रथम यूरोपीय कृषि संघ द्वारा 1971 में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था, लेकिन बाद में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 28 नवंबर 2012 को प्रस्ताव पारित करके इसे अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाने लगा। प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके बाद इसे 21 मार्च को मनाया जाने लगा। हम बात करते हैं इसे मनाया क्यों जाता है, तो इसे लोगों के लिए, लोगों के जो मन में वन के प्रति जागरूकता, पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है, वन जंगल के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए मनाया जाता है, और हमें पेड़ मतलब कहीं ना कहीं वन संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो वन होता है ना, जो हमारे जंगल होते हैं, वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर वन नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का आने वाले समय में क्या स्वरूप होगा। हमारी प्रकृति में परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं कुछ डाटा के बारे में। तो पर ईयर 13 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं और 12-13% कार्बन जो है ना वो इम्प्रूव हो रहा है। जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की जो है परसेंटेज वो 12-13% बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं कार्बन सिंक के बारे में। एक वर्ड आता है इसमें कार्बन सिंक। कार्बन सिंक एक ऐसी सिंक का मतलब पहले समझते हैं, या फिर सिंक होती है। सिंक एक तरीके का रिजर्वॉयर होता है। मतलब सिंक का मतलब ये होता है कि किसी चीज में आप कुछ भी डालते जाओ ना तो वो बिना विरोध के अपने अंदर संग्रहण करता है। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक तरीके का सिंक है, पृथ्वी का वायुमंडल सिंक है। आप देखो पर मतलब एक सीमा के बाद कुछ होता है, लेकिन आप प्रदूषण उसमें फेंकते चले जाते हो, कुछ नहीं होता। तो एक तरीके का सिंक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज में देखते हो तो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल आपको पृथ्वी में दे दिया जाता है। तो एक तरीके का पृथ्वी सिंक है, रिजर्वॉयर है। और कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के द्वारा, विभिन्न सेक्टर के द्वारा, औद्योगिक सेक्टर के द्वारा, वो जो है उसका सिंक कौन है? तो अगर वन रहेंगे ना, स्वस्थ वन रहेंगे, तो वो सिंक का कार्य करेंगे। मतलब जो कार्बन उत्पन्न होगा एनवायरनमेंट में वो वन क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अर्थात कहीं ना कहीं बैलेंस रूप रहेगा। अगर आप वन को लगाते हैं, वन की जो है परसेंटेज को बढ़ाते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कार्बन उत्सर्जित भी होगा एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या होगा कि वो एक तरीके का सिंक का कार्य करेगा वन, और कार्बन को अवशोषित कर लेगा। तो इतना हमारे जो क्लाइमेट चेंज में उतने परिवर्तन उतना नहीं आएगा, बट आएगा। तो हम बात करते हैं कि 2022 की थीम क्या है। तो देखिए, थीम रखने का तात्पर्य होता है कि हमारा जो एक उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े, हर एक कार्य के नए उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि कुछ नया होना चाहिए ना। संकल्प, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ नया हम कर पाएंगे, तभी तो अपने राष्ट्र को हम एक नए अवसर पर, हम एक नई चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक ही थीम के साथ आगे बढ़ने का तात्पर्य होता है कि हम कुछ नया नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब की बार का जो 2022 का जो हमारा थीम है, वन और सतत उत्पादन और खपत है इसका थीम। जय हिंद दोस्तों।